दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और अच्छी सी वीडियो में। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस गाड़ी के अंदर आ गई है फ्रेंड्स एक छोटी सी प्रॉब्लम। छोटी सी है बट पार्ट बहुत बड़ा रिप्लेस होगा, वही चीज़ आज मैं इस गाड़ी में आपको दिखाने वाला हूँ। पहले प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के तुरंत बाद एक डेढ़ सेकेंड या दो सेकेंड बाद बंद हो जाती है। कहने का मतलब ये है आइडल पे ही जैसे हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को तुरंत ये बंद हो जाती है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को हम डायग्नोस करेंगे किस चीज़ का फॉल्ट है और क्या है इसका जो सॉल्यूशन होगा कि क्या पार्ट होगा वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं फॉल्ट कि क्या फॉल्ट गाड़ी के अंदर आ रहा है। तो ये देखिए अंदर हम आ गए हैं, ठीक है। एंड अभी कर दिया गाड़ी का इग्निशन ऑन और आपके सामने मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट हो गई एंड ये देखिए ये चेक इंजन लाइट आती है एंड आती ही गाड़ी बंद हो जाती है। फिर से एक बार दिखाता हूँ, पीछे से दिखा देता हूँ, कभी आपको लगे कि यार बंद तो नहीं कर देता गाड़ी को। ये देखिए इग्निशन ऑन, गाड़ी स्टार्ट एंड ये देखिए बंद, तुरंत बंद। ये देखिए स्टार्ट एंड गाड़ी बंद। अभी मैं आपको इंजन रूम की तरफ दिखाता हूँ होता क्या है। तो मैं अभी करूँगा गाड़ी को स्टार्ट एंड फ्रेंड्स देखना गाड़ी स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही गाड़ी बंद हो जाएगी। इंजन स्टार्ट और गाड़ी बंद, ठीक है। ये देखिए ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है एंड इसी को फाइंड आउट करेंगे। बट होता क्या है बहुत से टाइम मैक्सिमम टाइम चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो या डीजल गाड़ी हो, ये डीजल इंजन है, ठीक है। तो इन गाड़ियों के अंदर क्या होता है, मतलब एक थ्योरिकल तरीके से बताऊं, इस गाड़ी के अंदर की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स। होता क्या है, या तो फ्यूल प्रॉपर नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर करंट इसको प्रॉपर नहीं मिल रहा, एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे इसके अंदर फ्यूल प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल लाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर ये कोई लूज तो नहीं पड़ा हुआ। अगर इसके अंदर डीजल होता है तो दबता नहीं है, बहुत हार्ड दबता है, बट इसको हम दबा रहे हैं तो ये देखिए, ठीक है, ये पूरा दब गया। एंड दो चार बार इसको हम जब पुश करेंगे, आपकी गाड़ी में होता क्या है, मैक्सिमम डीजल गाड़ियों में अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो, गाड़ी हवा ले जाए, होता है ना कभी कभी डीजल ख़त्म हो जाता है तो एयर ले जाती है गाड़ी, है ना। तो इसको देखिए अभी मैं इसको पूरा दबा रहा हूँ, इसके अंदर अब डीजल आ चुका है, ठीक है, अब ये दब नहीं रहा है ना, देखो अब दब नहीं रहा है, बहुत ताकत लगा रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, हो सकता है गाड़ी कुछ सेकंड के लिए स्टार्ट हो और फिर से बंद हो जाए, ठीक है। फिर इसमें लगाएंगे सिस्टम एंड लगा के चेक करेंगे गाड़ी के अंदर क्या इशू आया है। तो अभी मैं गाड़ी को फिर से एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा पुश किया और डीजल फ्यूल इंजेक्टर जो है इसके पास तक पहुँचा दिया है, ठीक है। एंड अभी देखते हैं इंजेक्टर डीजल आगे पहुँचा रहा है कि नहीं पहुँचा रहा है। डाउट मुझे डीजल पर ही है, बट सिस्टम लगा के और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट फिर से। गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर से बंद हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब गाड़ी में डीजल प्रॉपर नहीं आ रहा है। एंड अभी इसको फिर से दबाऊंगा तो ये देखिए फिर से ये लूज हो गया। तो इससे कंफर्म हो जाता है, थोड़ा बहुत कंफर्म हो जाता है कि डीजल गाड़ी में, इस गाड़ी के अंदर डीजल का इशू है, ठीक है। डीजल का इशू मतलब इंजेक्टर तो आ रहा है, रिटर्न इसके अंदर पाइप होता है, रिटर्न चला जाता है डीजल, ठीक है। तो अभी सिस्टम लगा के एक बार चेक कर लेते हैं गाड़ी में फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। तो दोस्तों सिस्टम मैंने लगा लिया है एंड इसके बाद हमें यहाँ पर ये करना है कंटिन्यू। एंड क्योंकि इंजन से रिलेटेड फॉल्ट है तो इंजेक्शन में जाके हमें इसको डायग्नोस करना होगा, ठीक है। एंड डायग्नोस करने के बाद हमें सीधे ऊपर जाना है। देखिए स्टोर्ड फॉल्ट में तो कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रेजेंट फॉल्ट में दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉल्ट चेक दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें पता चल जाएगा गाड़ी के अंदर एक्चुअल में किस पार्ट से रिलेटेड फॉल्ट है। तो देखिए कोड ये आया है DF885 रेल प्रेशर, ठीक है। रेल प्रेशर होता है या तो गाड़ी का रेल प्रेशर सेंसर ख़राब हो गया, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एंड या फिर FI पंप, मैक्सिमम टाइम गाड़ी के अंदर FI पंप ख़राब हो जाता है या वो अपना काम नहीं करता, तो ये रेल प्रेशर DF885 का ही कोड आता है। बट उससे पहले हमें रेल प्रेशर सेंसर चेक कर लेना है कि वो ख़राब है कि नहीं है, ठीक है। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ FI पंप कहाँ पर है, रेल प्रेशर सेंसर की लोकेशन कहाँ है, ठीक है।
एफआई पंप से रिलेटेड वीडियो मैंने डाली हुई है, ठीक है, चेंज करने की भी वीडियो डाली है, तो अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। बट अभी देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, एंड जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो तुरंत लाइट आ जाएगी। यहाँ देखिए कमांड फिनिश हो गया, एंड अभी जब बैक जाऊँगा यहीं पर तो यहाँ देखिए कुछ नहीं दिखा रहा, एंड अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स आ गया वापस से कोड DF 885 रेल प्रेशर, ठीक है। तो अभी चलते हैं इंजन साइड में, देखते हैं किस चीज़ में फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो रेल प्रेशर सेंसर होता है ये यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, एंड ये इसके अंदर कवर होके रखा हुआ है। तो इसका कनेक्टर ही हमें सिर्फ चेक करना होता है, कनेक्टर प्रॉपर है कि नहीं है, एंड प्रेस ये सेंसर बहुत ही रेयरली ख़राब होता है, बहुत ही कम चांस होते हैं ये ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ये सही कनेक्टर लग रहा है मुझे, है ना। एंड इसके बाद अभी आगे बात करते हैं, तो ये होता है इसका एफआई पंप गाड़ी का, ठीक है। तो ये एफआई पंप क्या हो रहा है, यहाँ तक तो डीजल इसमें आ रहा होगा पक्का, ठीक है। एंड इसके बाद ये यहाँ से आगे, ये देख रहे हो ये पाइप, यहाँ से आगे डीजल नहीं भेज रहा है। एंड नहीं भेजने की वजह से क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो इंजेक्टर्स हैं वहाँ तक प्रॉपर फ्यूल नहीं जा रहा है, एंड इसी वजह से गाड़ी आइडल पे आके मतलब स्टार्ट होती तुरंत बंद हो जा रही है, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, तो इससे पहले एक छोटी सी वो बता देता हूँ मैं आपको, गाड़ी के अंदर डाटा डलता है सेम मॉडल गाड़ी का, ठीक है। तो सेम मॉडल गाड़ी का अगर आपके पास गाड़ी हो तो उस गाड़ी का डाटा गाड़ी के अंदर डाल के देखें, सेम मॉडल जिसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है। डालने के बाद गाड़ी चला के देखें, बहुत से टाइम क्या होता है गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। एंड ये 33 से 35 हज़ार रुपये का फ्यूल पंप होता है, ठीक है, एफआई पंप, ये बच जाता है। बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है कि ये चल भी जाता है, दो दो साल तीन तीन साल चल जाता है, बट डाटा डालने के बाद एक मतलब ऑप्शन हो जाता है कि हो सकता है कि ये बच जाए, हमें चेंज ना करना पड़े और 30 से 35 हज़ार रुपये हमारे बच जाए। सेम प्रोसेस होता है पेट्रोल गाड़ी के अंदर, अगर आइडल पे ऐसी गाड़ी बंद हो जा रही है तो उसके अंदर भी फ्यूल पंप ही ख़राब होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, डायग्नोस हमने कर लिया, रेल प्रेशर सेंसर बिल्कुल ओके है, इस गाड़ी का फ्यूल पंप ख़राब है, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च करके देख लेना DF 885, तो इस एफआई पंप के बारे में भी बताएगा, ऑप्शन बहुत आएंगे, सॉल्यूशंस बहुत आएंगे, बट एफआई पंप का ज़रूर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।